डियर लर्नर्स, हम जो है इससे पहले वाले वीडियोस में नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो हमने अच्छे से सीखा था, और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए कौन सा मेथड तरीका सही रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो लगातार आप इस तरह की वीडियोज देखने के लिए सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी दिए गए इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हम या आज बात करें यस या नो टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, लर्नर्स ध्यान दीजिएगा। हमारे देर आर 24 ऑग्लरी वर्ब्स, हमारे पास में 24 है जो सहायक क्रियाएं होती है अंग्रेजी में। इन 24 से जब पर्सन शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, इनसे जब पर्सन शुरू होता है, क्वेश्चन शुरू होता है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और ये हमेशा इसका जवाब जो है यस या नो में होता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं तो यस, नहीं तो नो। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, पीते हैं तो यस, नहीं पीते नो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सवाल का जवाब, जिस प्रश्न का जवाब यस या नो में आता हो वो हमेशा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अभी हम पैसिव वॉइस की भी बात करेंगे, वो यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ हम एक्टिव डाल देते हैं, इधर हम पैसिव डाल देते हैं। यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, लर्नर्स इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव का है वैसा ही पैसिव का रखना है, केवल चेंजेस होगा वो ध्यान से देखना है। पैसिव बना रहे हैं, सबसे पहले डू आया है, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए डू या डज की ऑग्री वर्ब क्या बनती है, आपने टेबल याद कर ली होगी, जारे बनती है। ऑब्जेक्ट देखते हैं, टी है, टी के लिए जाएगा, आर आएगा, एम आएगा, अच्छे से आप जानते हैं टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए हमेशा ही जाता है, तो हम यहां सबसे पहले डाल देंगे इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टी इज अ टी, टेक का थर्ड फॉर्म बनता है टेकन, इज अ टी टेकन, बाई कौन, यू का ऑब्जेक्टिव किस बन जाता है बच्चे, यू इज टी टेकन बाई यू, क्या चाय जो है आपके द्वारा पी जाती है। ये सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव यानी कौन से इंटरोगेटिव यस या नो टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी पैसिव बनाने का तरीका ये है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट के अंदर डिड यू टेक टी, डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पी ली, क्या आप चाय पीते थे, इस तरह से। तो यहां देखते डिड आया है, डिड आया, इसका ऑग्री वर्ब वॉज या वर्ब बनेगी, टी सिंगुलर है वॉज लगाएंगे, वॉज टी टेकन बाय यू इंटरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट देखते विल यू टेक टी, विल यू टेक टी, ऑग्री वर्ब के रूप में विल या सेल आया, विल या सेल रहना है, टी के लिए विल आएगा, विल टी, और विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम लोग विल बी या सेल भी करते हैं, तो टी के बाद हम डालेंगे बी, विल टी बी टेकन बाय यू। नेक्स्ट टेना, सिंपल की बात हो गई, अब हम करते हैं कंडीशन की बात, इज अ सॉरी आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे थे, सो चाय पी रहे हैं,
इजारे मारा है, मैं भी इजारे में लेना है, टी है तो इज जाएगा, इज टी और आईएनजी फॉर्म की वजह से आएगा बीइंग, इज टी बीइंग। टेक का थर्ड फॉर्म बनता है टेकन बाय यू। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस था। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। वर यू टेकिंग टी, वर यू टेकिंग टी, टी के अकॉर्डिंग वॉज अवर लगाएंगे तो टी के लिए वॉज आएगा, वॉज टी। फिर हम डालेंगे बीइंग, आईएनजी फॉर्म की वजह से बीइंग डालेंगे, बीइंग टेकन बाय यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। हैव यू टेकन टी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं देखिएगा, बिल्कुल इजी तरीका है। स्टार्टिंग में ऑग्ज़ीलियरी वर्ब आ रही है, हैज या हैव होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन को लगाना है, ऑब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, हैज टी। और हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम लोगों ने किया था हैज बीन या हैव बीन, तो यहां लगाएंगे टी के बाद बीन। हैज टी बीन टेकन बाय यू, हैज टी बीन टेकन बाय यू, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव था। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, यू आता है, टेकन आता है, टी आता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो उसमें हैड के साथ बीन लगाते हैं, इंटरगेटिव है तो ऑग्ज़ीलियरी वर्ब हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, टी के बाद बीन आएगा, हैड टी बीन टेक का थर्ड फॉर्म बनता है टेकन By you। ये था पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी यस यू नॉट नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल होता है, विल या शैल के साथ हैव आता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, विल यू हैव टेकन टी। इसका हमें यदि पैसिव बनाना है तो हम बनाएंगे विल या शैल को स्टैंड रखना है, टी के लिए विल आएगा, विल टी हैव बीन टेकन बाय यू। ये तरीका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। कौन से सेंटेंस का? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन से? यस या नो टाइप। मॉडल का देखते हैं। कैन यू, हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। हमने पढ़ा था कि मॉडल की पैसिव पढ़ते हैं तो मॉडल प्लस बी करते हैं, ये इंटरोगेटिव है तो मॉडल को स्टार्ट में लेते हैं कैन। ऑब्जेक्ट कौन? मी है, मी का बन जाएगा आई, कैन आई और इसके बाद डाल देंगे बी, कैन आई बी हेल्प्ड, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू का ऑब्जेक्ट केस यू। सेव अ ड्राउन बॉय, क्या तुम्हें एक डूबते हुए लड़की को बचाना चाहिए? मॉडल है सोड, ऑब्जेक्ट है ड्राउन बॉय,
बॉय बी। सेव का थर्ड फॉर्म बनता है सेव्ड बाय यू। ये था मॉडल का, मॉडल के इंटरगेटिव सेंटेंस की पैसिव किस तरह से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इज आर एम वाले सेंटेंस की। इज ही गोइंग टू हेल्प यू, क्या वो आपकी सहायता करने जा रहा है। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा, यू के लिए आर डालोगे, आर यू गोइंग टू बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म बन जाएगा हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से इज गोइंग टू, आर गोइंग टू और एम गोइंग टू वाले सेंटेंस का हम लोग है जो इंटरगेटिव सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं। यहां आपने देखा आर टेंस, ये तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर है जिनकी अपन ने पैसिव बनाई। फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव बनाई। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों की पैसिव बनाई। इसके बाद ये दोनों हमने मॉडल की पैसिव बनाई और ये इज गोइंग टू, आर गोइंग टू वाले यानी फ्यूचर को शो करने वाले सेंटेंस की भी पैसिव बनाई। यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस की मैं आपको किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप जो है इन नंबर्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और रिटर्न मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।